हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन न्यू जर्नी फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पॉवर्टी फाउंड इन इंडिया इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो पावर्टी जो है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री इन आवर इंडिया। जब हम पावर्टी का इशू कहते हैं तो वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सामने जब भी प्लानिंग होती है तो इट इज़ ऑलवेज इन द टॉप एजेंडा, वो एक टॉप एजेंडा का पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश में सालों से देखते आए हैं, आई मस्ट से सदियों से देखते आए हैं, सेंचुरी से हमने ऑब्जर्व किया है कि जब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश एम्पायर था, तो उस ब्रिटिश एम्पायर में हमारी इकोनॉमी में काफ़ी इकोनॉमिक ड्रेन हुआ और उस इकोनॉमिक ड्रेन के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत वर्स्ट हो गई। इसमें बहुत सारी हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हो, वो डिस्ट्रॉयड हो गई और जो ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज़ थी वो भी काफ़ी एग्रेसिव और ऑपरेसिव थी। यानी दे ऑलवेज़ कंसिडर देयर बेनिफिट, उन्होंने हमारी इकोनॉमी के बारे में तो सोचा ही नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत भी ये होता था कि एट दैट टाइम वी फाउंड कि री अकरेंस ऑफ द फेमिनाइंस इन अवर इंडियन इकोनॉमी। तो हमने कौन सा प्रॉब्लम देखा? पावर्टी का प्रॉब्लम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर्टी का जर्नी और इस पावर्टी में हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स या टाइप्स ऑफ पावर्टी हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं इन आवर इंडियन इकोनॉमी। नाउ जनरली जब हम बात करते हैं पावर्टी की तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इकोनॉमिक कंडीशन में जो पीपल हैं हु लाई बिलो द पावर्टी लाइन they are mostly unable to satisfy the basic needs of life. वो अपनी basic needs को satisfy नहीं कर पाते हैं, यानी food, clothing and shelter। पहले तो हम ये कहते थे कि हमारी जो basic ज़रूरतें हैं वो 3 हैं, that is food, clothing and shelter, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, हम ग्रो हुए और इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी जब इंटीग्रेटेड हुई विद द ग्लोबल इकोनॉमी तो हमने देखा कि नहीं, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जब हम अपने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं दे आर नॉट 3 बट इट इज़ 5। वो 5 हैं, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये अगर 5 बेसिक नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई करने जितनी इनकम हम नहीं कमा पाते हैं तो वी विल से दैट वी लाई बिलो पॉवर्टी लाइन, हम पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट थ्रू वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू हम सब कंसिडर करेंगे वन बाय वन कि कैसे पावर्टी को धीरे धीरे रिड्यूस किया गया। अब अगर हम लेटेस्ट डेटा भी देखें तो लास्ट 2019 और 20 में भी हम देखें तो भी हमारी इकोनॉमी में स्टिल वी फाउंड कि 20.8% पावर्टी हमारी इकोनॉमी में ऑब्जर्व की गई। यानी लगभग 346 मिलियन पीपल जो थे दे वर लाई बिलो द पावर्टी लाइन। हाँ, हमारी गवर्नमेंट के मेजर्स ने धीरे धीरे उस पावर्टी को रिड्यूस किया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये जो कोविड का प्रॉब्लम आया तो काफ़ी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अफेक्टेड हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लेबर्स को भी अफेक्ट हुआ, तो पावर्टी का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा हमने फेस किया। तो हमारा मेन टारगेट, इसके लिए मैंने कहा बच्चों हमारे देश के एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी होती है टू रिड्यूस द पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट की जर्नी तो हमने देख ली है बच्चों, अभी हमने आज से स्टार्ट किया पावर्टी का चैप्टर। ना इस पावर्टी के चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं पहला क्वेश्चन कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली हम पावर्टी का बात करते समय, डिस्कस करते समय हम बात करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग एक इशू देखें कि मैंने कहा कि पावर्टी इज़ जस्ट चैलेंज टू अवर इंडियन इकोनॉमी, ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे जब हम पावर्टी की बात करते हैं तो हियर पावर्टी इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल एक्सक्लूशन। जब हम बात करते हैं ना सोशल एक्सक्लूशन तो ये क्या होता है?
नाउ सोशल एक्सकर्शन जो रहता है ये एक वर्ड यूज किया गया है आपके बुक में। जनरली जब हम बात करते हैं सोशल एक्सकर्शन तो ये क्या होता है? सोशल एक्सकर्शन में हम जनरली देखते हैं कि फ्यू पुअर पीपल दे आर टोटली डिप्राइव्ड, वो डिप्राइव्ड रहते हैं फ्रॉम द बेसिक नीड्स एंड द बेटर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द इकोनॉमी। वो इकोनॉमी में जो उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए रिगार्डिंग द हेल्थ, रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द फूड, रिगार्डिंग द शेल्टर जो मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक नीड्स इन अवर इकोनॉमी। तो सोशल एक्सकर्शन जब हम बोलते हैं तो हम बात करें सोशल एक्सकर्शन मीन्स द फ्यू पीपल अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ एंड दे नेवर गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। जब उन्हें अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, जब उन्हें जो उन्हें मिलनी चाहिए जैसे मैंने कहा हेल्थ से रिलेटेड, बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे मेडिकल स्टोर्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अच्छे शेल्टर्स फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं। या इवन उनके पास बेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट गेटिंग द बेटर पे जॉब। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्यू पीपल्स जो हैं जिनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, तो इसी से रिलेटेड हम क्या कहते हैं, वहाँ हुआ है सोशल एक्सकर्शन। यानी यहाँ पे कुछ लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ इंजॉय करनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो पावर्टी इनसे भी रिलेटेड है, कंसिडर करते हैं। लेकिन जनरली हम पावर्टी जब बात करते हैं, पावर्टी यानी व्हेन द पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जब पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इतनी भी इनकम नहीं कमा पाता है कि हम अपने लाइफ की 5 बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। और वो 5 बेसिक नीड्स की बात क्या है, दैट इज़ फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, दीज आर द 5 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। बट द वेन पीपल दे आर अनेबल टू अर्न दैट इनफ इनकम टू सेटिस्फाई दीज 5 बेसिक नीड्स, तो हम क्या कहें, दे आर पुअर पर्सन। अच्छा, अगर हम लोग वन व्यू बात करें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमृत सेन, नाउ जब हम प्रोफेसर अमृत सेन की बात करते हैं तो what he said poverty is not a just a lack of money, कि ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ पैसा नहीं है। It is not having the capabilities to realize one's full potential as a human being. अब जब हम बात करते हैं ना capabilities, तो capabilities economic भी है, social भी capabilities रहती है, political capabilities भी रहते हैं, तीनों consider करते हैं। Poverty is not a just a lack of money. It is not having a capability to realize one's potential as a human being. तो जब हम capabilities की बात करते हैं, यानी आपके पास उतनी सब चीज़ें हमने basic जो availabilities होनी चाहिए, amenities होनी चाहिए, वो आपके पास available ही नहीं थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो उनको हम poor consider करेंगे, no my dear friends, ऐसा नहीं है। उनको अच्छा खाना नहीं मिला, उनको nutritional food नहीं मिला, उनको political freedom नहीं मिला, उनको जो आपकी अपॉर्चुनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, जितनी हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उनके पास मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, जितनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। तो इन सब को बोलते हैं कैपेबिलिटीज़। अगर ये हमें मिल जाए तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ तो चमत्कार करके ही दिखाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि अगर मुझे पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो ये सब कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, वो मुझे लोगों तक प्रोवाइड करके ही देनी है, ताकि ये पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकें। ओके बच्चों, तो बस जब ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर्टी, तो आपको पहले क्या लिखना है बच्चों, पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि पावर्टी क्या है, इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और हर 5-year प्लान में, हर एक हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग में, आवर इंडियन गवर्नमेंट टेक मेनी मेजर्स टू रिड्यूस द पावर्टी इन आवर इंडिया।
ये एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है या फिनोमेना है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजॉरिटी में दिखाई देता है। और जनरली जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो वी आर कंसर्न यानी रिलेटेड विथ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज सोशल एक्सकल्शन। जब हम सोशल एक्सकल्शन की बात करते हैं बच्चों, तो सोशल एक्सकल्शन मीन्स द फ्यू पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं हु आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ एंड दे नेवर गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ। उन्हें अपने लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इसके लिए दे आर डिप्राइव फ्रॉम द बेसिक नीड्स। वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अच्छा, जब हम पॉवर्टी का डेफिनेशन कहते हैं बच्चों, वो भी ईजी है। पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। दे आर अनेबल। दो बार है, एक बार हम लोग यूज करेंगे। पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो कितना आसान डेफिनेशन है। अच्छा, ये था हमारा मीनिंग। अच्छा, जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी, तो जब हम पॉवर्टी में कॉन्सेप्ट्स यानी टर्म्स यूज करते हैं तो वो कौन से हैं? जनरली देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी। नंबर वन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नंबर टू, रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, नंबर वन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, नंबर टू रिलेटिव पॉवर्टी। अच्छा, जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन है वो हमेशा एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कंसिडर करती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरीज फ्रॉम इनटेक फ्रॉम आवर फूड। जो हमें फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से हमें मिनिमम कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए और हमें कितनी मिलती है, और हमारे उस फूड इनटेक में से अलग अलग एरियाज में, जैसे रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, इनमें कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। दैट इज़ वाई जो आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक रूरल पॉवर्टी और दूसरा अर्बन पॉवर्टी। ये दोनों टाइप्स हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के। इसके लिए जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी। जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं बच्चों, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ये समझाना है। लेकिन जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो वो रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी। अच्छा, जब हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी पीपल हु आर क्लियरली अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, यानी उनके पास उतनी इनकम नहीं है कि दे सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, तो दे आर कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूटली पुअर। वो एब्सोल्यूट पुअर है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एब्सोल्यूट पुअर है, जो मैंने कहा प्लानिंग कमीशन कहता है कि जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन पुअर है, कब कहते हैं वो? तब जो पर्सन, सपोज वो स्टे इन द रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में रहता है, अगर उसे अपने खाने में से यानी जो फूड वो कंज्यूम करता है उनमें से 2400 कैलोरी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, और जो पर्सन अर्बन एरिया में रहता है उसे अपने खाने में से, अपने फूड कंजम्पशन से 2100 कैलोरीज नहीं मिल पाती हैं, तो पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पुअर, उसे हम पुअर कहते हैं। यानी उन्होंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को किस बेसिस पे मेजर किया बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, आपको कैलोरीज कितनी मिली फ्रॉम योर फूड इनटेक, जो हमने खाना खाया उसमें से आपको कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर उससे कम मिली तो यू आर कंसिडर्ड एज अ पुअर, उसे हम पुअर कहेंगे। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि सपोज यू आर स्टेइंग इन द रूरल एरिया, अगर आप गांव में रह रहे हो, तो गांव में अगर रह रहे हो तो एटलीस्ट आपके फूड इनटेक में से, आपके खाने में से आपको कितनी कैलोरी चाहिए बच्चों? 2400। लेकिन इफ यू आर स्टेइंग इन द अर्बन एरिया तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए बच्चों? 2100। अब आपको लगा होगा कि ऐसा क्यों,
पॉवर्टी तो पॉवर्टी होनी चाहिए, खाना तो हर कोई खा रहा है, चाहे वेदर यू आर स्टेइंग इन द अर्बन एरिया या यू आर स्टेइंग इन द रूरल एरिया, तो डिफरेंस क्यों है? प्लानिंग कमीशन ने ऐसा डिस्क्रिमिनेट क्यों किया है? उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट किया है, उनकी जो जजमेंट है, उनकी जो सर्वे है वो एकदम बेस्ट रहती है। अब प्लानिंग कमीशन ने देखा कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं विथ देयर वर्क, वो खेती पे काम करते हैं, और जब वो फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं तो उन्हें कैलोरीज भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वी आर मेंटली इन्वॉल्व इन दैट, हमारा जो फिजिकल एग्जर्शन है वो रिड्यूस होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो जो फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं, आप देखो जो लेबर फोर्स रहता है, जो फिजिकली इन्वॉल्व रहता है कंस्ट्रक्शन में हो, जब वो बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं तो वो खा भी ज़्यादा सकते हैं, क्योंकि उनका लॉस ऑफ कैलोरी ज़्यादा हुआ है तो वो इनटेक भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में हमने थोड़ा सा भी खाया तो वी विल बी सेटिस्फाइड। तो ये सब डिफरेंस है। तो जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बच्चों, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए प्लानिंग कमीशन ने बहुत ही ईजी डेफिनेशन दिया। कौन सा डेफिनेशन? ईच पर्सन रिक्वायर 2400 कैलोरीज। कहाँ पे बच्चों? ज़्यादा कैलोरीज कहाँ चाहिए? जो रूरल एरियाज में रह रहा है। ईच पर्सन रिक्वायर 2400 कैलोरीज फॉर लिविंग इन रूरल एरियाज, ये ब्लैंक्स में भी आते हैं, एंड 2100 कैलोरीज फॉर लिविंग इन द अर्बन एरियाज। अगर आप शहरों की तरफ रह रहे हो जहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन है, हम जल्दी पहुँच जाते हैं, मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ कैलोरीज लिमिटेड चाहिए। लेकिन गांव में देखो, चार चार पाँच पाँच किलोमीटर्स वो वॉकिंग जाते हैं, फिर जाके अपने खेतों में काम करते हैं, पानी भर के लाते हैं, पूरा दिन वो अपने खेतों में जो है वो अपना पसीना बहाते हैं, तो इसकी वजह से उनको अपने खाने में से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने बराबर बताया है, और उन्होंने बताया है कि ईच पर्सन रिक्वायर 2400 कैलोरीज फॉर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज फॉर लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो इतना कैलोरीज चाहिए, और जिन्हें इतनी कैलोरीज नहीं मिल पाती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? दे आर कंसिडर्ड एज अ एब्सोल्यूट पुअर, उसे हम एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं बच्चों। और फिर उन्होंने, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अगर हम देखें, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हर एक इंडियन को ऑन एन एवरेज अगर अच्छा खाना मिलता है तो उसमें से एटलीस्ट 2250 कैलोरीज ऑन एन एवरेज मिलनी चाहिए। 2250 ऑन एन एवरेज हर पर्सन को इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस हो वो ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो। लेकिन मिलती कितनी है एक्चुअली? अगर देखा जाए एक्चुअल ग्राउंड पे, तो ऑन एन एवरेज जब हम देखते हैं, इंडियन एक्चुअली रिसीव्ड 1900 कैलोरीज ओनली। देखो कम मिलती है, एडल्ट्रेट फूड है, मेल न्यूट्रिशन फूड है, पॉवर्टी है, प्रॉब्लम है, यानी उनकी इनकम इतनी कम है, नहीं खा पाते हैं जितना उनको कैलोरीज अपने बॉडी को प्रोवाइड करना है, उतना नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा? द पर्सन हु स्टे इन द रूरल एरिया ही मस्ट गेट द 2400 कैलोरीज फ्रॉम फूड इनटेक, लेकिन द पर्सन हु स्टे इन द अर्बन एरिया उसे 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए। ओके, ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो, एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया। लेकिन ऑन एन एवरेज एक इंडियन को 2250 कैलोरीज मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती कितनी है? ओनली 1900। दैट इज़ वाई वी फाइंड पावर्टी इन अवर इंडिया। इसके लिए मैंने कहा कि स्टिल, मैंने लास्ट ईयर का भी फिगर बताया, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में स्टिल वी आर हैविंग 20.8% ऑफ अवर पॉपुलेशन लाए बिलो पावर्टी लाइन, यानी स्टिल 346 जो हमारी पॉपुलेशन है, 346.3 मिलियन पीपल जो हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी का प्रॉब्लम धीरे धीरे इरेडिकेट हो, यानी रिड्यूस हो, कम हो। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। ओके, अच्छा, ये जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी,
अब इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक था रूरल पॉवर्टी और दूसरा है अर्बन पॉवर्टी। जब हम बात करते हैं रूरल पॉवर्टी की बच्चों, जब हम रूरल पॉवर्टी यानी गांव की गरीबी, अब जब हम गांव की गरीबी की बात करते हैं बच्चों, तो यह गांव में जब लोग अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने जितनी इनकम नहीं कमा पाते तो उसे कहते हैं रूरल पॉवर्टी। तो देखो एक ही डेफिनेशन आप दोनों जगह यूज़ करते हो, मैंने इसके लिए स्मार्टली एक डेफिनेशन बनाया है जो आप दोनों जगह यूज़ करते हो। कैसे? देखो, व्हेन पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ इन, जब मैं रूरल की तरफ हूँ तो इन रूरल एरियाज, व्हेन पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज, अगर मैं कहती हूँ रूरल एरियाज तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे रूरल पॉवर्टी। ओके, उसे हम कहेंगे रूरल पॉवर्टी। लेकिन अगर मैंने इसी डेफिनेशन को कहा अर्बन पॉवर्टी के लिए यूज़ किया तो भी देखो बहुत ईजी है। When people are unable to satisfy basic needs of life in cities and towns, जब cities और towns में वो basic needs अपने life की satisfy नहीं कर पाते हैं तो they are called as urban poverty, उसे हम urban poverty कहेंगे। तो देखो हो गया ना easy? इसके लिए मैंने नोट्स में आपको सब इजिली प्रेजेंट करके दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लो। आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड, तो एक बार वो नोट्स आप देख लो जो मैंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, बस आपने एक बार पढ़ लिया तो इट विल बी ईच एंड एवरी थिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। दैट इज़ वाई आई सेड कि हर चीज़ को हम इस तरह से सिंपल कर देंगे कि आपके लिए इकोनॉमिक्स विल बिकम द हाइएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू। ओके बच्चों, तो यस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों? दो पार्ट्स में, रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी। अच्छा, जब हम रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं बच्चों, तो रूरल पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है? व्हेन पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज इज कॉल्ड रूरल पॉवर्टी। अच्छा, ये जो गांव की गरीबी दिखाई देती है ये मोस्टली कहाँ दिखाई देती है? ये मोस्टली दिखाई देती है जहाँ पे आपके स्मॉल फार्मर्स हो, आपके मार्जिनल फार्मर्स हो, या आपके लैंडलेस फार्मर्स हो, या आर्टिजन्स हो, या कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स काम कर रहे हो, या बॉन्डेड लेबर्स हो। जनरली ये लोग सब रूरल पॉवर्टी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि ज़्यादातर पॉवर्टी यहाँ पे ही दिखाई देती है। कहाँ कहाँ? वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, स्मॉल फार्मर्स हो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो, लैंडलेस जिसके पास ज़मीन ही नहीं है तो वो बेचारे कहीं ना कहीं बॉन्डेड जो हैं बंधुआ मजदूर बन के काम कर देते हैं, कहीं पे डेली वेजेस से काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स वो बन जाते हैं, तो जनरली पॉवर्टी वहाँ पे दिखाई देती है। या गाँव के कुछ आर्टिजन्स जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो जब तक उनको जॉब मिलेगा तब तक उनकी वेजेस चालू हैं, और जैसे ही उस फैक्ट्री में थोड़ा भी प्रॉब्लम आया क्योंकि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उनकी इनकम बंद हो जाती है, तो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो ये प्रॉब्लम जनरली वहाँ दिखाई देता है। तो मोस्टली इस तरह का पॉवर्टी का प्रॉब्लम हमें जब गाँव में दिखाई देता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जो गवर्नमेंट है उनको स्टडी करती है कि आफ्टर ऑल इस बैकवर्ड एरियाज़ में, इस रूरल एरियाज़ में ये जो पावर्टी हमें दिखी उसकी मेन कॉजेज़ क्या हैं। क्योंकि जब हम रूट कॉज पकड़ लेते हैं ना, कॉजेज हमें पता चला तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग द सॉल्यूशन फॉर दैट, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को पकड़ के हम सॉल्यूशन भी उसका निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने कहा था जब भी हम गवर्नमेंट का कोई भी प्लानिंग या हम प्रोग्राम देखते हैं, स्टडी करते हैं, कोई भी रिफॉर्म बिल भी देखते हैं ना, तो यू विल सी दैट उनका पहला टारगेट होता है टू रिड्यूस या टू एलिवेट या टू एरेडिकेट पावर्टी इन इंडिया। देश में गरीबी नहीं चाहिए, गरीबों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसके लिए सो मेनी गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स आर देयर जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स हैं पॉवर्टी के जो हम जनरली अपने इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं।
तो ये था कि रूरल एरियाज़ में गरीबी है। अच्छा, तो गवर्नमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से गांव में गरीबी दिखाई देती है। तो देखो, हमने ये पढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा जर्नी हमने देखा। अब उस अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम के पीछे रूट कॉज क्या था, आपने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब हम देखते हैं पावर्टी का प्रॉब्लम, पावर्टी है क्योंकि कुछ लोगों को रोज़गार नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिली तो उनकी इनकम जो है वो उनके पास नहीं पहुंची। दैट इज़ वाई दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉज है, चाहे वो रूरल पावर्टी हो या अर्बन पावर्टी हो, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला कॉज है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो फास्ट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो लिमिटेड हैं। इसके लिए सबको नहीं मिल पाती हैं, सबको नहीं मिलेगा, यानी जो उससे छूट गए, जिनको हमने मौका नहीं दिया, उनके पास इनकम आई नहीं, और इसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन क्रिएटेड, इंक्रीज, प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इसके लिए पहला रूट कॉज है ऑफ रूरल पॉवर्टी, दैट इज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉजेस में हेडिंग देना है। और हेडिंग जैसे मैंने यहाँ पे 5-6 दिया है, यू कैन राइट एनी 3-4 हेडिंग। सब कॉजेस में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, उसके पीछे भी रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये, उनके पास बेटर वेराइटीज़ ऑफ सीड्स नहीं परचेस करते हैं, ओके, प्लस जो मॉडर्न तरीके हैं कल्टीवेशन के, इंटेंसिव कल्टीवेशन, वो फॉलो नहीं करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सब ड्रॉबैक्स होने की वजह से उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। प्लस स्मॉल साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है, स्मॉल साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग की वजह से भी प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा नहीं होती है। तो उनके पास प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम कम है, तो प्रॉफिट भी कम ही होगा। थर्ड है पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी एक थर्ड इशू हो जाता है, क्योंकि आपके बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इतना नहीं बड़ा है कि देश आर कनेक्टेड विद द अर्बन एरियाज, कि वो अर्बन एरिया से कनेक्टेड हो। क्योंकि अब जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते समय हमें बहुत से लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहता है, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द अर्बन एरियाज, तो बट नेचुरल बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज द पीपल दे कैन मूव फ्रॉम द माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया, दे विल कम टू द अर्बन एरियाज, एंड या समटाइम जो फार्मर्स हैं, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द अर्बन एरियाज एट द हाई प्राइस, एंड दे विल फेच द गुड प्राइस ऑफ देयर फूड ग्रेन्स, उनको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सम टाइम दे आर मिसगाइडेड बाय द मिडिल मैन। कभी कभी उनको मिडिल मैन मिसगाइड कर लेता है, उनके सस्ते में फूड ग्रेन्स परचेज कर लेता है, और शहरों में आके वही जो मिडिल मैंस हैं, वही एजेंट जो हैं, वो काफ़ी हाई प्राइस पे वही उनके फूड ग्रेन्स को, उनके फ्रूट्स को, उनके वेजिटेबल्स को, उनके क्रॉप्स को सेल कर देता है। तो जितना रिटर्न एक किसान को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। कभी कभी उनके पास अच्छे मार्केट्स नहीं, कभी वेयर हाउस नहीं, कभी अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी उनको पावर्टी का प्रॉब्लम आता है। लेकिन आपको डिटेल में कुछ भी नहीं लिखना है, बट यू शुड नो इट कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों पावर्टी को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट है इलिटरेसी। अब ये भी बहुत प्रॉब्लम रहता है इलिटरेसी। अब इलिटरेसी की वजह से मोस्टली पीपल इन द रूरल एरियाज आर वेरी इनोसेंट एंड अनअवेयर अबाउट द मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट प्राइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। तो कैसे इस तरह से मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को डील करेंगे, क्योंकि दे आर इलिटरेट। गवर्नमेंट उनके लिए इतने रिफॉर्म्स लाती है, इतने सारे न्यू प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लाती है, लेकिन उनका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। ये भी एक बेसिक कॉज है, इलिटरेसी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो बैकवर्ड एरियाज में यू विल फाइंड द
मासेस ऑफ पावर्टी, पावर्टी दिखाई देता है। यानी जो न्यू तरीके भी आ गए हैं, जैसे हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत से न्यू मेथड्स जो हैं, जो किसानों को बाय ट्रेनिंग सिखाए जाते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, लेकिन बिकॉज ऑफ इलिटरेसी वो ये नए तरीके अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसके लिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और प्रोडक्टिविटी कम तो प्रॉफिट भी कम, इनकम कम, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज पॉवर्टी, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल क्लाइमिटीज। ये भी आपने प्रॉब्लम तो देखा ही देखा होगा, आजकल तो हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर पार्ट के प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हैं। कहीं फ्लड आया, कहीं साइक्लोन आया, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, कहीं अर्थक्वेक हुआ। तो जब ऐसे नेचुरल क्लाइमिटीज़ के प्रॉब्लम आते हैं बच्चों, तो यू डोंट नो दैट कि वहाँ पे काफ़ी लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, और जब ऐसा इकोनॉमिक लॉस होता है तो इट विल रिजल्ट इन पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी की मेन जो एक और रीज़न जो है, दैट इज़ हमने कहा ब्रिटिश रूल में उन्होंने किया था रीअकरेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर ऐसा कभी नेचुरल क्लाइमिटीज़ का प्रॉब्लम आया, कभी फेमेंस का प्रॉब्लम आया, तो दे वर नॉट कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम, वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट जो है वो हमारे NDRF की टीम्स को जल्दी अपॉइंट करके आप तक नीडी सपोर्ट पहुँचाने की कोशिश करती है, ताकि ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम थोड़ा कम कर सके। एटलीस्ट उनको फूड हो, उनको क्लोथिंग हो, उनका शेल्टर हो, वो देने की कोशिश करते हैं। तो आजकल रेमेडियल मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इस नेचुरल क्लाइमिटीज की वजह से नॉर्मली वी ऑब्जर्व कि देयर इज पॉवर्टी का प्रॉब्लम। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब्स। अब हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में ये भी हम जनरली देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी वहाँ पे न छोटे मोटे कारखाने हैं, न दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से उनको रेगुलर इनकम मिल सके, तो इनकी वजह से भी इनको रेगुलर इनकम नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी का प्रॉब्लम होता। नेक्स्ट है रूरल इनडेप्टेडनेस। इनडेप्टेडनेस मतलब कर्जा, और मोस्टली वी विल सी दैट कि बैकवर्ड एरियाज में दे कम अंडर द ट्रैप ऑफ इनडेप्टेडनेस। इनडेप्टेडनेस यानी वो कर्जों के जाल में फंस जाते, यानी वो क्या करते हैं, क्योंकि मेन थिंग दे आर इलिटरेट, उनको मालूम नहीं है। एंड व्हेन दे विल आस्क फॉर एनी मनी, व्हेन दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स या जमींदार या लैंडलॉर्ड, दे पुट अ थंब ऑन द ब्लैंक पेपर। अब ब्लैंक पेपर पे एक थंब रख दिया, अब उसमें आपको मालूम है दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। उनको जो लगेगा उनकी प्रॉपर्टी है, उनका लैंड है, उनके कैटल्स हैं, उनके अपने नाम पे कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप जनरली देखते भी हो सोशल मीडिया के थ्रू कि ये सच में होता है, और उसकी वजह से क्योंकि वो इलिटरेट है, उन्होंने देखा ही नहीं, और जिसकी वजह से दे ट्रैप्ड इन द इनडेप्टेडनेस यानी कर्जों के जाल में फंस जाते हैं, और उसकी वजह से मोस्टली दे रिमेन पुअर। यानी अपने ग्रैंडफादर का, फादर का लिया हुआ कर्जा उनके बच्चे चुकाते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई कैलकुलेशन पता नहीं, बस जो ज़मींदार लैंडलॉर्ड उनसे मांग रहा है वो देते जा रहे हैं, और वो उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, और इसकी वजह से दे विल ऑलवेज रिमेन पुअर, वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये है रूरल पॉवर्टी, जिसके इतने सारे कॉजेज जो है वो हमें दिखाई देते। तो क्या था रूरल पॉवर्टी? When the people are unable to satisfy basic needs of life in rural areas is known as rural poverty. Clear बच्चों? चल, अब ये rural poverty भी clear हो गई, अब आते हैं urban poverty। अब urban poverty का भी definition हमने देख लिया, इसी definition को adjust करते हैं। When people are unable to satisfy basic needs of life in cities and town, उसे हम कहेंगे अर्बन पॉवर्टी। अच्छा, अर्बन पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं शहरों में जो गरीब हैं, अब जो शहरों में गरीब हैं उनके पास क्या दिखाई देता है, यहाँ पे उनकी जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पुअर रहती हैं, उनके पास बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल
नहीं होती हैं, उनके पास जो अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, ना उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं, ना उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाती है। तो शहरों में भी ये प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देता है। और ये जनरली किसकी वजह से होता है? व्हेन द पीपल जो रूरल एरिया से माइग्रेट होके अर्बन एरियाज़ में आते हैं, तो वो उनके पास इतना फंड्स नहीं होता है कि वो अच्छे घर ले पाएँ, तो पहले तो वो स्लम एरियाज जो हैं वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। प्लस वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तक वहाँ अवेलेबल नहीं होती है, प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो अर्बन एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। अच्छा, तो यहाँ अर्बन एरियाज़ में, यानी जब हमें शहरों में गरीबी दिखाई देती है, उनके कौन से कॉजेज़ हैं? तो जनरली हम जब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की, जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जब हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कहाँ दिखा था बच्चों, अर्बन एरिया में हमने जब अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप देखा था तो दो कैटेगरी का था। एक था एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो भी पॉवर्टी यानी अर्बन एरिया, शहरों में आ जाएंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी एक अर्बन पॉवर्टी। ओके, प्लेसमेंट में नाम लिखवाया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाया है, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है, तो ये भी एक पॉवर्टी आता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स में कभी कभी ऐसा आया, रिसेशन आया, फ्लक्चुएशंस आया, स्ट्रक्चरल चेंजेस आया, एंड वी बिकेम अनएम्प्लॉयड, तो ये भी प्रॉब्लम आता है, तो इट विल रिजल्ट इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के कौन से कॉजेज हैं जो अर्बन एरियाज में हो रहे? जब हम शहरों की गरीबी देखते हैं बच्चों, तो उनका भी पहला कॉज तो बिल्कुल सेम है, दैट इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लिमिटेड, तो दोज फ्यू पर्संस जो डिजर्व करते हैं उनको मिल जाती है, एंड द रेस्ट ऑफ पीपल दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, एंड एज अ रिजल्ट दे फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। दूसरा है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारा जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ का वो बहुत स्लो है, इवन सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कहें, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ कहें, स्लो है। यानी जितनी नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी चाहिए थी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसकी वजह से भी हम सबको जॉब नहीं दे पाते, एज अ रिजल्ट पॉवर्टी। नेक्स्ट है पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरों में भी यू विल सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह पे स्टिल पुअर है, तो इसकी वजह से भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नहीं मिल पाता है, उन्हें भी बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, इवन बेसिक नेसेसिटीज़ वाटर फैसिलिटीज़ हो, गैस फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो भी उन्हें रेगुलर नहीं मिल पाती है, तो दे आर अंडर द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। देन फिर इलिटरेसी, देखो काफ़ी सिमिलर आ रहे हैं कॉजेज, तो बहुत आसान हो जाएगा, और आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है, और देखो इलिटरेसी, क्योंकि यहाँ पर भी हैं शहरों में कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एंड व्हेन यू आर इलिटरेट तो हाउ यू विल गेट द बेटर पे जॉब, आपको जॉब कैसे मिलेगी? तो इसके लिए इलिटरेसी भी एक रीज़न होता है, एक कॉज होता है, जिसकी वजह से लोगों को एक रेगुलर रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो ये और यस, शहरों में एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द लैक ऑफ वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। क्योंकि जब हम शहरों की बात करते हैं ना बच्चों, तो शहरों में कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादा है, शहरों में इंडस्ट्रियल सेक्टर वेल डेवलप है, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत एडवांस्ड है, तो यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस को हमें मेंटेन करना है, तो यहाँ पे वोकेशनल गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कॉम्पिटेंसी को मैच करने के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप देखते हो स्टार्टअप प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव प्रोग्राम्स जो है, ऐसी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बनाती रहती है, और ये सब क्या करते हैं, आपके अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें कि बहुत जगह पे इस तरह के वोकेशनल गाइडेंस सेंटर्स नहीं होते,
पता ही नहीं होता है लोगों को कि इस तरह के वोकेशनल गाइडेंस सेंटर क्या काम करते हैं, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं टू डिसाइड द कैरियर एंड गोल ऑफ देयर लाइफ। या अगर हम बात करें बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरह से वो बच्चों के स्किल को डेवलप एंड ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो जब ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ वेल पेड जॉब, तो बस ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में वी विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। लेकिन अर्बन एरियाज में जब हम पॉवर्टी देखते हैं ना बच्चों, जब हम गरीबी देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि जब हम अर्बन एरिया की गरीबी देखते हैं, क्योंकि गांव में गरीबी है तो फिर भी फूड जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि गांव में ही फूड ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, तो खाना पीना हो जाता है, एक लाइफ को फिर भी बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाती हैं। बट व्हेन इन द अर्बन एरियाज़ की जब हम पॉवर्टी देखते हैं तो वहाँ तो कंडीशन जो होती है वो थोड़ी वर्स्ट होती है। यहाँ जब हम इफ़ेक्ट देखते हैं तो यहाँ के जो शहरों के गरीब हैं वो आपको दिखाई देंगे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, वो स्लम एरियाज़ में आपको रहते हुए दिखाई देते हैं, या फिर आपके इस शहरों में इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रो कर लेता है, या यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी बढ़ जाते हैं, जैसे सोशल क्राइम्स आप देखते हो, या कभी कभी हमारे इकोनॉमी में कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कुछ इलिटरेसी की वजह से छोटे झगड़े को, छोटी बात को उन्होंने बड़ा झगड़ा कर दिया, दंगा फसाद कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, तो इससे हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट होता है, लोगों को अफेक्ट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पॉवर्टी है। या आपने देखा है सोशल प्रॉब्लम जैसे टेररिज्म है, आपने ब्रेन वॉश कर दिया क्योंकि उसको कोई जॉब नहीं है, आपने उसके खाते में थोड़ा सा भी पैसा आपने डाल दिया तो ही विल बिकम रेडी टू बिकम अ ह्यूमन बॉम्ब। तो ये सब रिजल्ट इसकी वजह से होता है। तो इसके ड्रॉबैक्स जो है वो काफ़ी रहते हैं, यानी उसकी जो इफ़ेक्ट आते हैं जब हम देखते हैं कि जो पर्सन अर्बन एरियाज़ में रहता है और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है और उनकी जो एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग है वो बहुत वर्स्ट है, तो उस समय सोशल प्रॉब्लम, सोशल क्राइम्स जैसे चोरी करना, मर्डर करना, किडनैपिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, ये सब प्रॉब्लम, या इवन टेररिज्म हम देखते हैं तो ये हमें काफ़ी दिखाई देते हैं। तो ये है आपका अर्बन पॉवर्टी। तो क्या देखा हमने बच्चों? पहले देखा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट हमने देखा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी दो हैं, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या है, कि ईच पर्सन रिक्वायर 2400 कैलोरीज फॉर लिविंग इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज लिविंग इन अर्बन एरिया। जिन्हें नहीं मिल पाता है अपने फूड इनटेक में से, तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? एब्सोल्यूट पुअर। अब इसके दो टाइप्स हमने देखे, एक रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी मतलब when people are unable to satisfy basic needs of life in rural area, उसे rural poverty, and when the people are unable to satisfy the basic needs of life in cities and towns, तो क्या कहोगे उसे बच्चों? urban poverty। simple, दोनों के causes इस तरह से heading, no explanation, और लगभग causes दोनों तरफ same है, except one or two, थोड़ा तो बदलाव होगा। ओके बच्चों, तो हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब आते हैं बाकी बचा लास्ट पार्ट, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। दैट इज द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? जब हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, तो देखो वर्ड ही कह रहा है रिलेटिव पॉवर्टी, हम रिलेट करते हैं, रिलेट विद द ग्रुप ऑफ पीपल, हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। हम इनकम के बेसिस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे दो ग्रुप को हम हमेशा कंपेयर करते हैं। एक अगर सपोज हम देखते हैं कि वो स्लम एरिया में रह रहा है और दूसरा जो है वो स्ट्रीट में रह रहा है, तो आप क्या कहोगे? स्लम एरिया वाला उससे ज़्यादा पुअर है। अच्छा, लेकिन स्ट्रीट वाले को कंपेयर करेंगे फ्लैट वालों के साथ, तो कहेंगे स्ट्रीट वाला भाई पुअर है। अच्छा, फ्लैट वाला देखेगा नहीं, मेरे सामने तो बंगलो वाला है, तो बंगलो वाले के सामने तो मैं पुअर हूँ। लेकिन बंगलो वाला देखेगा कि नहीं, सामने वाला जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ही स्टे इन वेरी हाई फाई टावर, तो मैं उसकी कंपैरिजन में जो हूँ वो बहुत पुअर हूँ। तो देखो कंपैरिजन हुआ। जब आप कंपैरिजन करते हो आइदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इनकम,
अब इनकम की बात कहें तो सब वन पर्सन है, वह पर्सन ए वो कमा रहा है 5,000। अब वो देख रहा है मेरे सामने मिस्टर बी है, वो कमा रहा है 10,000। तो आप क्या कहोगे, ए इज़ पुअर देन बी, बी क्योंकि 10,000 कमाता है और ए जो है वो 5,000 कमाता है, तो उसको लगता है मैं गरीब हूँ। लेकिन बी को लगता है नहीं भाई, मेरा फ्रेंड जो है वो 20,000 कमाता है तो मैं गरीब हूँ। अच्छा, फिर सी को लगता है मेरा फ्रेंड जो है वो 40,000 कमाता है तो उसके कंपैरिजन में मैं गरीब हूँ। अब अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो ये रिलेटिव पॉवर्टी तो यूनिवर्सल दिखेगा। क्यों? क्योंकि हर एक का एजुकेशन नॉलेज, उसका टैलेंट, उसका एक्सपीरियंस, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसका पोटेंशियल, उसका पावर, उसका नॉलेज हर एक का अलग अलग होता है। इसके लिए हर एक के कमाने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है और इसकी वजह से ये रिलेटिव पावर्टी जो है ये कभी भी इरेडिकेट नहीं होती है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो हमेशा दिखाई देता है, इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। जबकि एब्सोल्यूट पावर्टी हम रिड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट कौन सी पावर्टी को रिड्यूस करना चाहती है बच्चों? एब्सोल्यूट पावर्टी को। लेकिन रिलेटिव पावर्टी हम क्या देखते हैं? रिलेटिव इन कंपैरिजन। तो क्या कहा इकोनॉमिस्ट ने, रिलेटिव पावर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर आपके इनकम में डिफरेंस है या आपके वेल्थ में डिफरेंस है कि कोई झोपड़े में रह रहा है, कोई बंगलों में रह रहा है, कोई बहुत बड़े टावर में रह रहा है, तो हर कोई हर एक को दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है। तो डिफरेंस इन वेल्थ हो या कंजम्पशन, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, अगर कम कंज्यूम कर रहे हो उसके कंपैरिजन में दूसरे का लैविश लाइफस्टाइल है तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो हर एक का इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कंजम्पशन जब ऐसा कंपेयर करते हैं, यानी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कंपेयर करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बच्चों बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये हर कंट्री में दिखाई देता है। जबकि जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो ये पॉवर्टी हमें कहाँ दिखाई देती है, मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बराबर। लेकिन जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो ये तो सब जगह दिखाई देती है, वेदर इट इज़ अ डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो, कहीं पर भी हो, हर जगह दिखाई देती है। रिलेटिव पॉवर्टी को आप कभी भी इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को आप इरेडिकेट कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स जो है वो फॉलो करती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपने किसको कहा, व्हेन ईच पर्सन रिक्वायर 2,400 कैलोरीज फॉर लिविंग इन द रूरल एरियाज या 2,100 कैलोरीज फॉर लिविंग इन द अर्बन एरियाज बट डू नॉट गेट फ्रॉम इट्स फूड, तो उसे क्या कहोगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। या समझो ये नहीं भी लिखा, आपने सिंपल लिखा, पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन। कितना आसान है डेफिनेशन, ये लिखा और इधर रिलेटिव पॉवर्टी का डेफिनेशन लिखा। रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन एक्सेट्रा। देख रहे हो, बातें करते करते हमने एक और क्वेश्चन कर दिया, बताओ क्या हमने कर दिया, दो डिस्टिंग्विश, एक डिस्टिंग्विश एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा डिस्टिंग्विश रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी। ये भी आप आसानी से कर सकते हो और जो हमने डिस्कस किया वो कम्प्लीटली मैंने अपने नोट्स में भी दिया है बच्चों आपको, बहुत सिस्टमेटिकली, जहाँ आपका ये चैप्टर के नोट्स ख़त्म होंगे वहाँ पे आपको ये दोनों डिस्टिंग्विश भी मैंने आपको क्लियरली दे दिए। और जनरली आपके कॉलेजेस में ये पूछा भी जाता है क्योंकि दो दो मार्क के आपको पूछे जाते हैं, जिसके लिए यू कैन ईजिली राइट द पॉइंट्स। आपने टॉपिक समझ लिया, बस उससे रिलेटेड आप दो तीन पॉइंट्स बता दो, आपका जॉब इज ओवर। तो देखो हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी दो हैं, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी के दो टाइप्स, एक रूरल पॉवर्टी और एक अर्बन पॉवर्टी। तो आई होप सो कि ये जो पूरा टॉपिक है आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और जिस तरह से मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट्स डिस्कस किया, नॉलेज तो हमने बहुत शेयर किया लेकिन आपको लिखना तो थोड़ा ही पड़ता है, तो वो जो आपको लिखना है वो भी मैंने बहुत ईजिली अपने नोट्स में आपको लिख के दे दिया। यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
Do share with your many friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.